हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी सेकंड डीबी जयपुर एनडब्ल्यूआर का आ गया है। हालांकि अनुमान से ज़्यादा आया है और कटअप क्या डिक्रीज हुआ है देखेंगे। 346 कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है। कुछ लोग कह रहे थे 125 के आसपास आएगा, देखिए उससे ज़्यादा आया। हालांकि डिले नोटिस बहुत टाइम बाद आया, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो बहुत दिन बाद ग्रुप डी की नोटिस आई है। वेबसाइट पे देख लीजिएगा, वेबसाइट पे देख लेंगे हम। वेबसाइट से ज़्यादा आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। पीडीएफ यहाँ दिया हुआ है, टोटल कैंडिडेटों का नाम के साथ, पूरा डिटेल के साथ, पूरी सारी का पैनल दिया हुआ है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13/9 से 27/9 के बीच में होगा, बीच में गैप भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। जयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिनके कैंडिडेटों का सारा टेस्ट करने के बाद आगे की प्रोसेस में पैनल वगैरह में नाम लिए जाएगी। कटअप वर्तमान अब है सेकंड डीवी के बाद 68.86, 59, 61, 68 और 57। कम्युनिटी बाई कैंडिडेट नीचे में दिया हुआ है, सारा कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। तो यहाँ पे कम्युनिटी बाई कैंडिडेट अगर सर्च करना चाहेंगे तो यहाँ से हम कर सकते हैं। एक मिनट, सर्चेबल नहीं है शायद, ये सर्च नहीं हो रहा है, पीडीएफ दिक्कत कर रहा है। हाँ, नहीं सर्च हो पा रहा है, तो हम कम्युनिटी बाई डाटा आपको बाद में दे देंगे। हम सोचे सर्च होगा ये, लेकिन सर्च नहीं हो रहा है। एक मिनट, नो फाउंड दिखा रहा है। तो चलिए इसमें नीचे देखेंगे पूरी डिटेल में, सर्चेबल नहीं है तो एक बार इसे हम हटा देते हैं। तो पूरी कम्युनिटी बाई सभी कम्युनिटी के कैंडिडेट है, मैंने चेक किया है, और टोटल 346 है। 95 वाले कैंडिडेट है, 94 वाले हैं ओबीसी वाले, 95 ईडब्ल्यूएस, 91 यूआर के ज़्यादा कैंडिडेट है, ये तो क्लियर है। क्योंकि आपको लाइन से देखेंगे तो यूआर में अच्छा खासा कैंडिडेट है, यानी कुल मिला के शुरू से लेके यहाँ तक यूआर के कैंडिडेट है, यानी 1 रो 2 3 4, यानी यूआर के कैंडिडेटों की संख्या ठीक ठाक है। अगर पूरी रो को काउंट करिएगा तो ठीक ठाक कैंडिडेट में कैंडिडेट मिल जाएंगे, यानी टोटल का 50% से ज़्यादा यूआर के कैंडिडेट हैं, ये क्लियर है। अब इसके बाद अगर बाकी कम्युनिटी के थोड़े थोड़े कैंडिडेट हैं, वो कटअप से ही आपको दिख जाएगा कि कटअप कितना कम गया है, तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। एक मिनट, मैं अपने पीडीएफ के माध्यम से आपको कटअप का थोड़ा दिखाना चाहूँगा, वो कटअप से पता चल जाएगा आपको कि कटअप किसका कितना कम हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे आएगा कटअप 4 नॉर्मलाइजेशन मार्क 4 पीटी और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। एक मिनट, पीटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कटअप जो था वो 72.39 था यूआर का, वो अभी देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 72.39 से कितना कम आया है, तो 68 आया है करीब करीब 39 से, यानी 3.5 नंबर प्लस कटअप यूआर का कम हुआ है। दूसरे नंबर में अगर बात करेंगे, दूसरे में आप देखेंगे तो 59 हुआ है, 59.81 पहले था एससी कम्युनिटी का, वो 59.49 हुआ है, यानी थोड़े से 0.4 के आसपास कम हुआ है। 61 आपका एसटी कम्युनिटी का आ गया है 61, और यहाँ पे पहले जो गया था 61.65, यानी 0.65 कम एसटी का हुआ है। ओबीसी में 68.75 पहले था, अभी 68.54 आया है, यानी अभी भी यहाँ पे 0.25 या कुछ समथिंग इसके कम हुआ है। 57.15 ईडब्ल्यूएस का हुआ है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 58.34 था, यानी कहे एक नंबर, वो 1.15 या 1.7 के आसपास कम हुआ है ईडब्ल्यूएस का, यानी कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा कटअप कम हुआ 3.5-4 नंबर तो यूआर का, फिर ईडब्ल्यूएस का एक के आसपास, यहाँ पे आपका 0.65, यहाँ पे 0.4, और यहाँ पे अगर ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में 0.125 के आसपास कम हुआ है। अभी उम्मीद है 365 के बाद भी अभी आगे आने वाले दिनों में कुछ आएंगे सेकंड डीबी, क्योंकि टोटल अगर वैकेंसी के बाद, एक मिनट, नंबर ऑफ सेकंड डीबी पैनल आने के बाद, पैनल 3542 में से कितने लोग कैंडिडेट भी अवेलेबल फिर पीटी पास वाला, एक मिनट, कितने लोगों का पैनल आ गया है यहाँ पे, एक मिनट, डीबी, अच्छा यहाँ का पैनल अलग तरीके से हमने बनाया था, यहाँ पे नीचे दिख जाएगा हमें कितने लोगों को दे दिया था रिवाइज वैकेंसी और टोटल जितने पैनल आ गए थे,
206 के आसपास दिख रहा था पहले, उसके बाद और कैंडिडेचर कैंसिल हुआ होगा वो सारा ले लिए होंगे, यानी टोटल अगर पीटी क्वालिफाई सेकंड डीबी के हिसाब से देखें तो यहाँ 206 तो ऐसे दिख रहा था, बाकी और कैंडिडेचर कैंसिल का होगा, यानी कुल मिला के कहें तो अभी भी यहाँ पे अभी इसके बाद भी डीबी आने की संभावना अभी है। और लेकिन अब संख्या इतनी 346 नहीं, 150 ऐसे आ सकता है आगे के डेट में। थैंक यू, धन्यवाद।